हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल की नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 आपसे जानते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जितने क्वेश्चन है आपको सभी बता दिए गए हैं। कल आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया, आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आ गए होंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जो बताना वीडियो को कैसे लिखे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फंक्शन दिया गया, ठीक है। चलिए, यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है, ये बात है ग्रेटर लेस देन इक्वल 1 के, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया, 4 दिया गया, यदि 1 इज, ठीक है, 1 इज लेस देन एक्स एंड 3 इज ग्रेटर देन एक्स से, ठीक है। यहाँ पर है इसी बात 5 दिया गया, यदि क्या है कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10, ठीक है, इसमें ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कहाँ पर फंक्शन की जो डिफिनेशन है ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो ब्रेक कहाँ से हो रही है, देखो एक बार क्या है 1, ठीक है, और एक बार कहाँ पर ब्रेक हो रही है 3 पर। तो सबसे पहले एक बार हम क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, एक बार क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे, और x बराबर एक बार क्या लेंगे 3 लेंगे। इन्हीं दोनों पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, LHL, RHL और फंक्शन चेक करा लेंगे, ठीक है। LHL ले लेंगे, RHL और f ऑफ जो भी होगा, ठीक है, वो चेक करा लेंगे, आपका जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो देखना दोस्तों सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखना यहाँ पर लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x बराबर 1 पर। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, LHL लेते हैं, चलो LHL ले लेते हैं, LHL लेंगे, जानते हैं हम लिमिट, ठीक है, लिमिट x ये कौन सा ले रहे हैं, x बराबर 1 पर ना, तो 1 हो जाएगा। और जब LHL रहता है तो आप जानते हैं ऊपर क्या रहता है माइनस, क्योंकि ये किस पे है, लेफ्ट हैंड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। चलो f ऑफ x हो जाएगा, आगे क्या करेंगे देखना, लिमिट, अब ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम निकाल दिए, एस टेंस टू 0 और f ऑफ 1 माइनस का h, ये हो गया, ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का h, और x इज इक्वल टू 1 आपने लिया 1 माइनस का h, देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच इक्वल टू 0 और h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, h टेंस टू 0 हो गया और x की जगह हमने क्या रख दिया 1 माइनस का h। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है यहाँ पर छोटी है, ठीक है, तो उसके सामने क्या है 3 है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, लिमिट लिख लेंगे एच टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का 3 हो जाएगा। अब देखना क्योंकि x तो था नहीं यहाँ पर, अगर 3x होता तब भी हम रखते, ठीक है, तो यहाँ पर x तो था नहीं। अब देखना h टेंस टू 0, अब लिमिट हटाएंगे h की वैल्यू रखेंगे, लेकिन x यहाँ पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3, समझ पाए बात आप, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, देखो LHL कितना है 3 है, RHL देख लेते हैं, देखना RHL जब देखेंगे देखना लिमिट हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा और x कहाँ से 1, और जब RHL है राइट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस का h हो जाएगा, सेम उसी की तरह वहाँ पर केवल और केवल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने प्लस लिख दिया। आगे क्या करेंगे उसको देखना, लिमिट x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो देखो x की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ठीक है, 1 से बड़ा है x, ठीक है, तो उसके सामने क्या 4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 4 लिख दे और h टेंस टू 0। अब देखो h की वैल्यू तो कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि x है नहीं तो h है नहीं तो 4 आ गया। तो आप देखेंगे कि LHL कितना आया 3 आया, RHL क्या है 4 आया, तो सिंपली सा, ठीक है, हमको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये अगर आ गया, ठीक है, क्या है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर यहाँ पर फंक्शन देखना, ठीक है, इस पर f ऑफ 1 पर अगर देखना चाहते हैं आप कि x जो है बराबर 1 के कहाँ है, देखो यहाँ पर बराबर 1 के ना, देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या 3 है, तो चलो 3 हो गया। तो देखना LHL और फंक्शन तो बराबर है लेकिन RHL क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ जो 1 है वो इक्वल है किसके LHL के, लेकिन नॉट इक्वल है किसके दोस्त RHL के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन अभी तो ये देखो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप कि दिया x बराबर किस पर 1 पर, फलन जो है दिया है, ठीक है, वो कैसा है असंतत है, ठीक है, असंतत। इसमें आगे और गाड़ी का भी आपको क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, एक पॉइंट आपको और दी गई, कौन सी 3, ठीक है, तो हम 3 पर भी देखना दोस्तों
एक्स बराबर एक पर तो हमने चेक कर लिया, अब किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर तीन पर, ठीक है। तो देखना यहाँ पर लिख लेना कि एक्स बराबर तीन पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलएचएल निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। एलएचएल निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू तीन, क्योंकि बिंदु हमने कौन सा लिया, तीन पॉइंट लिया, ठीक है। माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड में है, और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, देखो लिमिट हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस का एच। सेम इसी प्रकार से कि एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस का एच, तो एक्स बराबर तीन लिया, तो तीन इज इक्वल टू तीन माइनस का एच हो जाएगा, एच तीन से तीन कैंसिल, माइनस एच इक्वल टू जीरो, तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एच टेंस टू जीरो हो गया, और एक्स की जगह क्या होगा, थ्री माइनस का एच हो गया। समझ में आया बात आपको, ठीक है। अब देखना यहां पर, देखना क्या कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू हो वो तीन से कम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू तीन से कम कहां, देखो यहां पर है, एक्स जो है वो एक से बड़ा है लेकिन तीन से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या कि एच की वैल्यू जीरो कहीं पर यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है, तो आगे क्या हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो एल एच एल कितना है आपका, फोर आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे क्या आर एच एल, देखना आर एच एल जब देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, तीन प्लस का हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट में लिया तो यहाँ पर प्लस, बिंदु आपका वही रहेगा। लिमिट एफ ऑफ क्या हो जाएगा, देखो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और तीन प्लस का एच हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब देखना आगे क्या होगा, एक्स की वैल्यू तीन से बड़ी कहाँ है, देखो एक्स की वैल्यू जो है ना वो तीन से बड़ी यहाँ पर है, तो कितना, पाँच, यहाँ पर लिख रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फाइव हो जाएगा आपका। अब एच की वैल्यू तो रख नहीं सकते, कॉन्स्टेंट है, तो डिटर डायरेक्ट कितना, फाइव आ गया। तो आप देख रहे हैं एल एच एल फोर है लेकिन आर एच एल फाइव है, डिसकॉन्टिन्यूट हो जाएगा, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूट, और हिंदी क्या कहेंगे, असतत होगा, ठीक है। चलो फंक्शन पे भी हम देख लेते हैं, किस पर, एफ ऑफ थ्री पर, ठीक है। अब जो एक्स बराबर तीन कहाँ है, देखो एक्स बराबर तीन यहाँ है, देखो, ठीक है, एक्स बराबर ग्रेटर भी है और इक्वल भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आपका एल एच एल था वो डिफरेंट है, आर एच एल और फंक्शन तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या कि एफ ऑफ जो थ्री है वो इक्वल है किसके, आर एच एल के, आर एच एल के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके है, एल एच एल के। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे किस बिंदु पर, वहां पर क्या था, एक था, तो यहाँ पर लिख लेना कि एक्स बराबर तीन पर, ठीक है, दिया गया फलन, बिल्कुल अच्छे से लिखना, ठीक है, दिया गया फलन क्या है, असतत है, ठीक है, असतत है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको। अब देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम 14 जो है ना बहुत ही आसान सा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान सा है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आज बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर आपके लिए होमवर्क, तो कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर क्या हो जाएगा आपका, होमवर्क हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी का कॉन्सेप्ट को लेकर हम 16 नंबर क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट पे लेकर 16 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 16 नंबर है क्या, ठीक है, फंक्शन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर की वही चीज़, फंक्शन की डिफरेंशियल कहाँ से ब्रेक हो रही है, माइनस एक पर हो रही है और एक पर हो रही है। तो एक बार हम क्या ले लेंगे, एक्स बराबर माइनस का एक, और एक्स बराबर एक बार क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले देखो माइनस का वन लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेना कि एक्स बराबर किस पर, माइनस का वन पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करते हैं, एल एच एल वही चीज करते हैं, ठीक है। अब देखना एल एच एल हो जाएगा लिमिट, ठीक, लिमिट कितना, एक्स टेन टू माइनस का वन माइनस एफ ऑफ एक्स। आगे क्या हो जाएगा, देखना लिमिट हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ जो आपका माइनस वन, ठीक है, माइनस का वन और माइनस का एच। कैसे, यहाँ पर आप जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का वन माइनस का एच होगा, क्योंकि क्या लिया हमने, लेफ्ट हैंड लिया है, माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का वन माइनस का एच, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एच इज इक्वल टू जीरो, तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एच टेंस टू जीरो हो गया, जहां पर एक्स था हमने क्या लिख दिया, माइनस का वन और माइनस का एच। अब आपको ये चीजें देखनी कि x की वैल्यू जो हो माइनस से कम कहाँ है, ठीक है, x की वैल्यू क्या माइनस से कम कहाँ है। देखना जो x की वैल्यू है वो माइनस वन से देखो कम है, ठीक है, कम है कि नहीं, क्योंकि मतलब माइनस वन बड़ा है और x क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो और कितना, माइनस का टू। अब x की वैल्यू तो रख नहीं सकते, डायरेक्ट कितना आ गया आपका, आपका आ गया माइनस का दो।
इसी प्रकार से हम देखेंगे आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो देखना लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स जो होगा वो माइनस वन अब से बड़ा होगा, ठीक है, राइट साइड में होगा, राइट, ठीक है, अब हो जाएगा लिमिट, और एच टाइम्स टू जीरो, सेम इसी प्रकार से कि एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का वन प्लस का है, माइनस का वन इज इक्वल्स टू माइनस का वन प्लस का है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, एच टाइम्स टू कितना हो गया, जीरो हो गया, एच टाइम्स टू जीरो रख दिया, और एफ ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा माइनस का वन और प्लस का एच, एक्स की वैल्यू जो है ना माइनस वन से बड़ी, देखो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स मतलब इसका मतलब क्या, एक्स जो है वो माइनस वन से बड़ा हो, तो यहाँ पर देखना माइनस वन से एक्स बड़ा है, देखना यहाँ पर क्या है टू एक्स है, देखो अब वहां पर टू था ना तो वन माइनस का एच, देखो यहाँ पर क्या था माइनस का वन माइनस का एच नहीं रखा था, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर टू एक्स है तो एक्स की जगह माइनस का वन और प्लस का एच रखेंगे, ये चीजें आपको समझना है, ठीक है, देखना क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा और एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, जब इसमें आ रहा है तो टू आगे तो रहेगा ही, एक्स की जगह माइनस का वन और प्लस का एच पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और टू माइनस का हो जाएगा, माइनस का टू और ये क्या कितना हो जाएगा प्लस का टू एच, अब एच की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो जब रखेंगे तो टू एच तो जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल आपका माइनस का दो, ठीक है, एल एच एल माइनस का दो, आर एच एल भी माइनस का दो, फंक्शन चेक कर लें, जब कॉन्टिन्यूस आए ना तो फंक्शन तुरंत चेक कराना, एफ ऑफ किस पर कौन सा बिंदु लिया था, माइनस का वन अगर हमने लिया था तो एक्स जो हो माइनस के वन बराबर का है, देखो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, एक्स जो है वो माइनस वन के बराबर है यहाँ पर, तो कितना दिया गया माइनस का टू दिया गया, तो माइनस का टू हो गया, अर्थात कि जो आपका एल एच एल है, क्या एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर है, ठीक है, और किसके एफ ऑफ माइनस वन के भी बराबर है, तो इसको आप लिख देंगे कि x बराबर किस पर, x बराबर माइनस का वन पर, ठीक है, दिया गया फलन कैसा है, दिया गया फलन सतत है, ठीक है, संतत है, ठीक है, अब आगे कौन सा है देखना, पॉइंट अब देखना कौन सा, अब एक पर देखें कौन सा, एक पर, ठीक है, तो x बराबर आप किस पर देखेंगे, एक पर, ये क्वेश्चन आप लिख ले, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक बताया गया, इसको आप जरूर देखेंगे, इसके बाद बस इसी प्रकार से क्या है वहां पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और सभी जहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी, पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है, देखना दोस्त एक्स बराबर माइनस वन पर हो गया, अब एक पर हम चेक करेंगे, ठीक है, देखना एक्स बराबर वन पर, ठीक है, एल एच एल देखते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा लिमिट किस पर, एक्स टाइम्स टू किस पर, वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आगे क्या हो जाता है आप जानते हैं चीजें, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ क्या हो जाएगा वन माइनस का एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, जानते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना वन माइनस का एच, एक्स बराबर वन लिया है तो वन माइनस का एच, वन से वन कैंसिल, माइनस का वन एच इज इक्वल टू जीरो, तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब देखना एक्स की वैल्यू माइनस वन से, सॉरी एक्स की वैल्यू वन से कम कहाँ है, कहाँ देखो एक्स की जो वैल्यू है वो वन से कम है, तो कहाँ दिया देखना यहाँ पर टू एक्स दिया है ना, तो जहां पर x है वहां पर 1 माइनस का h रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 है तो 2 रहने देंगे और 1 माइनस का h लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे, आगे क्या करेंगे आप जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, अब जब h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट भी हट जाएगा, माइनस का h भी हट जाएगा, बचेगा आपको केवल और केवल 2 बचेगा, ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार से आर एच एल, देखो लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब की बार एक्स जो होगा वो वन राइट साइड में, ठीक है, तो वन प्लस हो गया और लिमिट हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस का एच, सेम उसी प्रकार से वहां पर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब एच टेंस टू जीरो, आगे क्या होगा वो देखना, लिमिट लगाएंगे पहले, अब देखना एक्स की वैल्यू वन से बड़ी कहाँ है, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन से बड़ी है, क्या दो है डायरेक्ट, तो लिमिट टू हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, अब एच की वैल्यू तो एच की जगह रखेंगे, ठीक है, कहीं पर नहीं रख सकते, क्या डायरेक्ट टू हो गया, आप देखेंगे कि एल एच एल और आर एच एल बराबर आ रहा तो फंक्शन तुरंत चेक करा लेंगे कहाँ पर, वन पर, ठीक है, वन पर चेक कराएंगे तो एक्स जो है वो वन के बराबर का, देखो यहाँ पर, ठीक है, एक्स जो है वो वन के बराबर है, क्या दिया गया टू एक्स दिया गया, तो टू इंटू में एक्स की जगह वन रख देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका फंक्शन एफ ऑफ वन है वो भी एल एच एल भी और आर एच एल क्या है तीनों समान है, ठीक है, बराबर हैं,
मतलब टू टू एंड टू दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि x बराबर किस पर, वन पर, ठीक है। दिया गया फंक्शन, ठीक है, f of x कैसा है, समतत है, बिल्कुल समतत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 16। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आज के अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।